इन पट्टियों को ज्वाइन करने के लिए हम पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे और पाइपिंग ये एक इंच की काट के ये सिल रहे हैं। सिलाई हम सिर्फ पाइपिंग पे एक सूत पर सिलाई लेंगे। हमारी पट्टियों पर हमने पाइपिंग सिल चुके हैं। अब इस पाइपिंग को हम रख कर इसके साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हम ये पाइपिंग दिखाएंगे। हमारी पट्टियां सिल के रेडी हो गई है। अब इस पर हम ये आगे का हिस्सा सिलेंगे। अब हम बैक और फ्रंट को मिलाएंगे। नीचे अस्तर का कपड़ा रखे, उसके ऊपर हमने फ्रंट रखे, उसके ऊपर फिर ये बैक का हिस्सा रख के हम आधे इंच पर शोल्डर की सिलाई करेंगे। ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया। सिलाई अंदर से ली गई, कवर सिलाई की है हमने। अब हम गले को नाप के कॉलर बनाएंगे। तो हम इस तरह से यहाँ पर रखकर धीरे धीरे इसकी गोलाई इस तरह से नापेंगे। यह हमारा आ गया है 7.5 इंच गला। डबल पे 7.5 इंच है। हम कैनवस को भी डबल रखेंगे 1.5 इंच कम पर। 6 इंच पर हमने कैनवस पर कम पे रख दिए, 1.5 इंच कम करके। यहां से हम 4 इंच लेंगे। ये चार इंच की एक लाइन खींचेंगे। यहां से 1 इंच, यहां से 1 इंच लेके इसको मिला देंगे। अब ये आया हमारा 1.5 इंच। यहां पर हम 1.5 इंच लेके इसको राउंड करेंगे। गले के शेप में फिर ये यहां से ये भी पट्टी हमारी 1.5 इंच की होनी चाहिए। देखिए ये भी, ये कपड़ा हमने कॉलर का डबल लिया है और अंदर सीधा हिस्सा रखकर ये हमारा प्रेस किया हुआ कॉलर रखकर हम सिलाई करेंगे। क्योंकि ये कपड़ा पतला है इसलिए हम इसको ये छोटे हिस्से से लेके यहां से यहां तक सिलाई करेंगे। अब ये हम कैनवस के किनारे से तमाम कपड़े को काट देंगे। इसके बाद हम इस पर सिलाई बचा के ये कैंची मारेंगे इस तरह से, और ये कोना ऐसे निकाल देंगे। गले का बीच का हिस्सा ले चुके हैं, ये कॉलर का बीच का हिस्सा ले चुके हैं। पहले हम ये बीच के हिस्से को अटैच कर देंगे और फिर यहाँ से इसको बिल्कुल ऐसे रख के सिलाई करेंगे 1/2 इंच पर। रेडी हो गया है। अब हम आस्तीन में सबसे पहले पट्टी लगाएंगे।
7.5 इंच हमको रेडी चाहिए। हमने 9 इंच की पट्टी काटे हैं और इसका 3 हिस्सा कर लिए हैं। 2 हिस्से में चुन करेंगे और ये 2 हिस्सा जो हमारा निशान का है ये हम ऐसे ही सिलेंगे। ये हम निशान तक ऐसे सिले। ये एक हिस्से पे हमने सिल लिए जहाँ चुन नहीं करनी थी। अब ये दूसरा हिस्सा हम इस तरह से रख के उसके बाद अब ये हिस्सा हम इसमें ये बीच वाले हिस्से में चुन करके बिठाएंगे इस तरह से। ये कपड़े को इस तरह से रख लिए और हम यहाँ सामने की तरफ सिलेंगे। इसके ऊपर नहीं सिलेंगे। हमारा ग्रीन धागा है हम पिंक पर नहीं आने देंगे। ये हमारी नस्तीन रेडी हो गई। अब हम आस्तीन लगाने जा रहे हैं। आस्तीन में हमको चुन के लिए सिर्फ 1.5 इंच मिला था। हमको बहुत मामूली सी चुन लेनी पड़ेगी जो कि हम शोल्डर से 1 इंच इस तरफ 1 इंच इस तरफ बस पूरी कर देंगे। ये हमने आस्तीन पेटी में बिठा लिया है। देखिए थोड़ी चुन है लेकिन अच्छी लग रही है। आस्तीन से लेकर पेटी तक हम अपनी फिटिंग का जो नाप है 1 इंच आधा इंच जो याद से उतना ही फिटिंग करके सिल देंगे दोनों साइड। घेर को हमने ज्वाइन कर लिए हैं। ये जो हमारी पट्टियां थी ये पट्टियों को भी ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम ये उल्टी साइड घेर के ऊपर ये पट्टी रखेंगे और इसी सिलाई के पास सिलाई रखेंगे और इसके ऊपर हम ये पट्टी भी रख देंगे जो हमारी सिलाई को छुपाएगी। हमारी सिलाई आगे नजर नहीं आएगी। तीनों चीज हमने सिलाई के ये सिलाई के पास हमने ये सिलाई एक के ऊपर एक ऐसे रख दिए हैं। अब हम एक साथ इसकी सिलाई करेंगे। हमने हमारी दोनों पट्टियां सिल चुके हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ और यहाँ दोनों तरफ सिलाई करके बिठा लेंगे इसको। ये हमारी पट्टी सिल के तैयार हो गई है। ये हमारा घेर भी तैयार हो गया है। सिलाई पीछे का भी कपड़ा अंदर गया। अब ये हम बटन पट्टी एक के ऊपर एक रख के सिलेंगे। ये घेर की सिलाई और पेटी की सिलाई को आपस में मिलाकर हम कमर ज्वाइन करेंगे, पेटी और घेर एक कर देंगे।